subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, कल तो नवीन जी के एपिसोड लग गए और आज इनको एपिसोड की पनिशमेंट ये है कि ये शो को शुरू करेंगे। जी चलिए ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं शो, आपका मनपसंद शो जिसका नाम है घर घर बिग बॉस। घर घर बिग बॉस। और नवीन जी, आप ही को शुरू करना है ऑडियो का सिलसिला। ठीक है, ऑडियो का सिलसिला शुरू करते हैं जी। तो करने से पहले मेरी सजेशन है कि आप अगर नंबर शेयर करते हैं अपना। हाँ, नंबर एक बार शुरू में भी ओपनिंग में शेयर कर देते हैं, तो जिसपे क्योंकि शो के फिनाले में अभी बहुत कम समय बचा है, लगभग एक हफ्ता लास्ट वीक है। तो अभी आपको सब काम छोड़ के भेजने हैं अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए भर भर के ऑडियो और वीडियोस, है ना। तो अंजू जी, मैं सोचता हूँ कि किसके ऑडियो के साथ शुरू करूँ, लेकिन मैं ना एक बंदे से नाराज हूँ। ओके, कौन है वो? मैं बहुत नाराज हूँ सच में। अरे कौन है? बंदे डर जाएंगे, किससे नाराज है आप? अरे शांति जी। अरे क्यों, शांति जी ने क्या कर दिया ऐसा? अरे यार, अरे कल के ऑडियो में भारत की जनता नहीं बोला? ओ अरे वही तो हुक पॉइंट है आपका, आप कह रहे हैं भारत की जनता नहीं बोलूं, क्यों नहीं बोलूंगी, बोलिए, वो बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से। और भारत की जनता बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, भारत की जनता है तो भारत की जनता, उसमें क्या? और वो जो आप एक स्टाइल में बोलते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम शांति से। हेलो हंगरी स्पिरिट मैम जी, नमस्ते। सर जी नमस्ते। मैडम देखो, आज पूरे टाइम बस यही चलता रहा कि सिद्धार्थ तूने पारस को क्यों बचाया, सिद्धार्थ तूने पारस को क्यों बचाया, सिद्धार्थ तूने पारस को क्यों बचाया। मैडम तीन दिन से चल रहा है ये, सिद्धार्थ ने पारस को क्यों बचाया। हे भगवान, ये लोग इतना पीछे पड़ गए, चाहे रश्मि हो चाहे आसिम हो। आसिम उसको पूरा मैनिपुलेट कर रहा है, देख मैं तेरे लिए लड़ा, देख मैं तेरे लिए ये करा, देख आरती उसने तुझे नहीं बचाया है, ऐसी वो सनाव लगी उसके पीछे, तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, एक बार मैं तेरे लिए, मतलब तू मेरा नाम ले लेता, ऐसी वो सबके सब, मायरा को छोड़ के सब बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, सिद्धार्थ तूने पारस को क्यों बचाया। अरे बचा दिया तो बचा दिया, कह तो रहा है वो मैंने बचा दिया, उसकी मर्जी है, सब अपना अपना खेल खेलते हैं, तो वो उसकी मर्जी, उससे बचा दिया। मैडम एक बात बताओ, ये आरती जो बोल रही है कि तूने पारस को बचाया, ए भगवान, मैडम आप देखो, जब सिद्धार्थ डे ने आरती के साथ इतना बुरा किया था, उसके लिए किसने स्टैंड लिया था? सिद्धार्थ ने ही लिया था ना, वो उससे लड़ा था ना मैडम, लड़ा था कि नहीं लड़ा था? और हमेशा लड़ा, वो बात तक लड़ा वो उसके साथ। उसके बाद देखो मैडम, कहते हैं उसको गाड़ी वाले टास्क में, जब कार ले जानी थी शूं करके, गाड़ी वाला टास्क, उसमें भी मैडम देखो सना ने आसिम को बचाया, ठीक है मैडम। और फिर एक बारी जब सिद्धार्थ और आसिम दोनों थे, तो फिर आरती ने उसको बचाया, किसको? आसिम को बचाया, ठीक है ना मैडम। और सना ने तो कई बारी उसको, आसिम को बचाया और कैप्टन भी बनाया, अगर आपको याद हो। मेरे दिमाग में इतना तो नहीं मैं जोड़ डाल सकती, पर जहां तक मुझे पता है, और मैं अभी सोच रही हूँ क्योंकि। और उसके बाद मैडम क्या कहते हैं उसको, अभी मतलब हर बारी, और तो सना भी बार बार बोल रही है कि तूने मेरा नाम नहीं लिया, मैं मेरे को तेरे से इतनी, यार एक बात बताओ, उस बंदे ने बचा दिया, मैं तो अपनी तरफ से ये कह रही हूँ, अगर उसने बचा दिया तो क्या हो गया। जैसे कि नवीन जी, शांति जी जब बात करती हैं तो उनकी बात में बहुत दम होता है, बहुत लंबी भी होती है, और लॉजिकल बात करते हैं। तो उन्होंने जो शुरू में बोला वो हिस्सा हम आपको यहाँ पे सुना दिया हमने, और बाकी का हिस्सा आपको रिव्यू विंडो में सुनाएंगे। जी जी जी, जो उन्होंने बोला कि पारस को बचा दिया, तो पारस को क्यों बचा दिया, तीन दिन से गा रहे हैं, तो वो सही बात है उनकी, आगे क्या उन्होंने बोला वो आपको रिव्यू विंडो में दिखाएंगे। और रिव्यू विंडो में देखिएगा, शांति जी ने बहुत ही बढ़िया चीजें कही है, मैंने इसीलिए तो मैंने रखा था कि ये रिव्यू विंडो में सुनेगी क्या कहती है शांति जी। तो थैंक यू सो मच शांति जी आपके इस प्यारे से ऑडियो के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको सुनाती हूँ समीर जी का ऑडियो। हेलो मैम, हेलो सर, मैं समीर, और आज मैं कल के एपिसोड के बारे में बात करना चाहता हूँ, सिडनास के बारे में।
मुझे ऐसा लगा जो लोगों की लड़ाई हो रही थी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, खासकर सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ को बचाने वाली बात आरती ने बोली थी, शहनाज ने नहीं बोली थी, और सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि सना भी बोल रही है, जो कि मुझे ऐसा लगा। और दूसरी बात, जो पारस सना को समझा रहा था कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं पारस से पूछना चाहता हूँ कि पारस आपने कौन सी लॉयल्टी निभाई है, जो आपकी गर्लफ्रेंड बाहर बैठी है आपने उसके साथ कौन सा लॉयल रहे हो? हाँ मैं मानता हूँ सना लॉयल नहीं रही सिद्धार्थ के साथ, लेकिन वो उसने इमोशनली सपोर्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है कि गेम से ज़्यादा किसी को इमोशनली सपोर्ट करना अच्छी बात होती है, क्योंकि वो इसलिए जब आपको हर तरफ से नफरत मिलती है तब एक इंसान ऐसा होता है जो आपको प्यार दे और आप उस प्यार में खुश रहो, और वही प्यार शहनाज सिद्धार्थ को देती है जो सिद्धार्थ खुश रहता है। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, जब सिद्धार्थ सना से दूर होता है तो सिद्धार्थ बिल्कुल रूड हो जाता है, मुस्कुराते नहीं, उसके चेहरे की हंसी खो जाती, और वहीं शहनाज भी अंदर से टूट के भी थोड़ा फेक मुस्कुराती है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि सिद्धार्थ जो है सना से इमोशनली अटैच है, और उसने कल एपिसोड में बोल भी दिया, मैं यहाँ पे किसी का रिश्ता बनाने नहीं आया था, अब मुझे रिश्ता बन गया तो मैं क्या करूँ, मैं ये रिश्ता निभाऊँगा और पूरे दिल से निभाऊँगा, ज़िंदगी भर निभाऊँगा। तो वहीं पर ही मैंने एक चीज़ शहनाज की भी बहुत नोटिस की कि सिद्धार्थ जैसे बंदे को शहनाज दी हैंडल कर सकती है, अगर दोनों ही एक जैसे होंगे तो शायद ही रिश्ता टिक पाए, जो कि अगर दोनों मैच्योर या दोनों गुस्से वाले होंगे तो रिश्ता नहीं टिके, लेकिन सिद्धार्थ को शहनाज जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए जो कि सिद्धार्थ को हैंडल कर सके, जबकि सिद्धार्थ उसको कितना कितना बोला था, हद पार कर दी थी सिद्धार्थ ने कर, लेकिन शहनाज ने उसको काम डाउन करवाया, चल खामोश हो जा, बहुत गंदा लग रहा है, चुप जा चुप जा। हाँ ये बात सही है कि फैंस को दुख होता है, सिद्धार्थ के फैंस जो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की लड़ाई होती है उससे होते हैं, जो दोनों को प्यार करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है, घर की स्टोरी है ना, घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जो लोग दोनों को, एक पति पत्नी है बाकी फैमिली, जो दोनों को बराबर प्यार करते हैं तो वो उनके लिए बड़ा खराब सिचुएशन है, किसको समझाएं। हाँ तो ये यही कहने का मतलब है इनका कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनकी, और साथ में इन्होंने जो बात लॉयल्टी वाली की है वो भी इन्होंने काफी हद तक सही बोली कि पारस सना की लॉयल्टी की बात कर रहा है बट उसकी अपनी लॉयल्टी भी कहां पे है भाई। तो सही है समीर जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, आगे एक और ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, हेलो सर, हाय हंग्री स्पिरिट, मैं कविता फैजाबाद से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेचारा एक किस किस को बचाए, दे एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहाँ, तो उसने सोचा मैं जमीन पर रह के ही पारस को बचा लेता हूँ, न मैं सना को बचाऊंगा न मैं आरती को बचाऊंगा, आरती को बचाता तो सना चिल्लाती, सना को बचाता तो आरती चिल्लाती, और किस किस को एक अगर एक के पीछे सब लोग पड़े कि तुमने मुझे नहीं बचाया मुझे नहीं बचाया। आसिम ने तो ये कह दिया कि आरती को बचाना चाहिए था, क्यों नहीं उसने कोशिश की बचाने की, वो तो हट गया, उसको कोशिश करने जैसे वो उसको ब्लॉक कर रहा था, ब्लॉक नहीं करता, कोशिश करके उसको बचाना थी। अगर एक या दो दो ताले ही किसी और के खुल जाते तो उसमें सभी लोग नॉमिनेशन में आ जाते, कोई बचता ही नहीं, क्योंकि पांच चांस था, तीन इधर खुलता दो उधर, एक भी अगर उधर खुल जाता तो किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलती। ये लोग दिमाग नहीं लगा पाए, अपने दिमाग से लोग चले नहीं, अगर दिमाग से चलते तो असीम किसी न किसी तरीके से एकाध बार ही अगर चाबी ले लेता तो पारस भी न सेव हो पाता, किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलती और चारों के चारों लोग नॉमिनेट हो जाते। ये इसको कहते हैं दिमाग, तो दिमाग तो किसी ने लगाया नहीं, बस कि पारस ना बचे किसी तरीके से, बस उसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक। कविता जी है फैजाबाद से, तो एक तो आपकी वॉइस बहुत लो है, मैंने फिर भी डाला है आपका ऑडियो, थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि जोर से बोलेंगे तो मजा आएगा सुनने में। बाकी आपने जो बोला है वो काफी हद तक आपने एपिसोड को लेकर समझ के बोला है कि इम्यूनिटी मिलती है और कैसे होता है, वो सब चीजें आपने बोली है, तो आप थोड़ा ऑडियो जोर से बोल के भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनाती हूँ आपको। हाय मैडम, हाय सर, और हाय सभी हंग्री स्पिरिट्स के फैन। मैम मैं आज आरती के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब आरती को टर्टर वाले टास्क में खुद को सेव करने का मौका मिला था तो क्यों ना वो खुद को मौके को फायदा उठाई, वो तो खुद भी खुद निकल गई जल्दी से।
जब था उसके पास मौका तो उठाती फायदा, लड़ती उसमें कितनी मिर्ची लग गई थी, कोई मिर्ची नहीं लगी थी उसके, फिर भी वो उठ गई सहनाज की। सहनाज का क्या फर्क पड़ेगा, सहनाज तो टोफा है, मैं तू तेरा ध्यान रख। और गेम में इस पड़ाव पे आने के बाद भी सिद्धार्थ खुद के नहीं ले खेलेगा तो फिर वो क्या सबके लिए खेलने आए यहाँ पे, वो ठेका नहीं लेने आए यहाँ पे कि भाई आरती आरती में तेरे को, आरती के लिए उसने डे वन से सब कुछ किया है, सहनाज के लिए तो और भी कुछ भी नहीं करा, पर आरती के लिए उसने बहुत कुछ किया। सहनाज के लिए वो समझता क्यों नहीं किया, अगर सिद्धार्थ सहनाज के लिए करता तो फिर मायरा में सहनाज में पारस में इनमें क्या फर्क पड़ा था, अगर सहनाज का ही वो करता तो फिर सहनाज कम वीक नहीं रहती क्या, वीक रहती। वो हमेशा सहनाज को ना सपोर्ट किया, पर ऐसी चीजों में सपोर्ट नहीं है किया गेम के अलावा, गेम में नहीं किया मतलब उसने, क्योंकि तो उसको पता कि सहनाज एक मजबूत खिलाड़ी है, स्ट्रोंग है, वो अपने खुद के खुद खेल सकती है वो, इसलिए वो उसकी गेम में घुसने की कोशिश ही नहीं करा। जो करे वो सहनाज करे, अगर वो थोड़ी सी भी उसको सपोर्ट करता ना कहीं जहाँ मौका मिलता वो गेम से हटकर उसको सपोर्ट करता, तो सहनाज का गेम जो आज है ना इस लेवल पर, जो टॉप टू की खिलाड़ी बन रखी है ना, वो टॉप टू की खिलाड़ी नहीं रहती, वो मैं भी निकल भी जाती है या टॉप फाइव में भी रहती, ये तो जनता के हाथ में, पर अगर सिद्धार्थ सपोर्ट करता तो वो इस तक नहीं रहती। दूसरी बात जो लोग बोलते हैं कि सहनाज खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करती, जब दो लोगों में प्यार होता है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखते मैडम जी, वो उसको अलग हट के देखता, वो तो डे वन से ही नहीं कर रही उसको। अभी ये लोगों को जो ऑडियंस बोल रही है कि सहनाज को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो तो डे वन से ही नहीं कर रही, वो तो जब से सिद्धार्थ के साथ आई है तब से कौन सी वो सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही है, वो कोई नहीं कर रही। और जहाँ प्यार होता है वहां तो सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है मैडम जी बाढ़ में, और उन दोनों में कल दिख रहा था किस हिसाब से सहनाज ने सिद्धार्थ को हैंडल किया। मैं देख के इतना तो भाई बीबी भी नहीं कर सकती, मैं तो ये मानती हूँ मेरे नजरिए से देखती हूँ। और सिद्धार्थ उसको जो गंदे या गलत वर्ड बोला था वो एक हक के हिसाब से लग रहा था, वो किसी और को तो नहीं बोलता बेवजह, उसमें से लग रहा था जैसे सहनाज भी उसका हक कर वो कुछ भी बोले, और वो उसको प्यार से ले रही थी और वो इस हिसाब से उसको हैंडल कर रही थी। वो देख के और उसने सच भी बोला सिद्धार्थ ने कि मेरे को प्यार हो गया, करना नहीं चाहता था पर हो गया, अब क्या करूं। ये देख के इतना मेरे को दिल पे लगी कि देखो मैडम जी कई प्यार होता है, एक बार बार जताता है प्यार, अरे एक बार अंदर से, वो एक म्यूचुअल इंसान है, वो अंदर से फीलिंग रखता है उसके लिए, वो बार बार गिनाता नहीं है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। ओके मैडम, बिल्कुल करेक्ट, संगीता जी का ऑडियो है ये, संगीता मौर्य, बड़ा सही बोला है। तो संगीता जी जो वो बात बिल्कुल मुझे अच्छी लगी कि आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए दूसरा क्यों लड़ेगा, तो आप तो वहाँ पे करती मतलब वो कितने कितने 40-40 घंटे लोग रहे हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तो 10 मिनट उसकी तासीम रियाज की चाय नहीं खत्म हुई तो आप घर से निकल गई। और सना के बारे में सही लेके बोला इन्होंने कि सना बाहर आएगी तो उसको तो कहीं ना कहीं लग, सना को पता है मैं तो पहुंच जाऊंगी, क्यों सहन करें। और ये चीज कहीं ना कहीं हमने देखी थी अर्शी खान के टाइम पे भी, अर्शी खान भी टास्क नहीं करती, उसको कहीं ना कहीं पता था कि मैं आगे तक जाऊंगी, वो ना तो अर्शी खान के पास और बहुत कुछ था जिसकी वजह से उसको पता था कि भैया मैं ऐसे लटके जटके करूंगी, तो आरती को वो टास्क खेलना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरा जो आपने आगे बोला है कि सिद्धार्थ शुक्ला सना के बीच में, सही बात बोली है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला सना की गेम में इंटरफेयर करता तो आज सना सना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच संगीता जी आपके ऑडियो के लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और ऑडियो सुनते हैं। हेलो हंगरी स्प्रिट, मैं अकील बोल रहा हूँ दिल्ली से, और कल के एपिसोड में जो भी सना और सिद्ध के बीच में हुआ, मैं सिडना के फैन और सना और सिद्ध के फैन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच में अब जजमेंट देना बंद कर दीजिए आप दोनों, वो दोनों एक ही हैं, उनकी लड़ाई एक घंटा दो घंटा इससे ज़्यादा नहीं चलती है, और जो भी सिद्धार्थ ने उसको गलत कहा, गंद कहा, वो मुझे भी बुरा लगा, पर सना ने भी उसको ये बोल दिया था कि तूने मुझे यूज एंड थ्रो किया है, उसको वो बात बुरी लग गई थी कि तू उनकी भाषा बोलने लगी, उन्होंने जो तुझे पट्टी पढ़ाई तो उन्हीं की बात बोलने लगी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया, तो वो बात दोनों की खत्म हो जाती है, फिर वो अपने आप को भी तो बैठ के कितनी गालियां देता है, कितना अपने आप के गुस्से में बोलता है,
क्योंकि वो हर्ट हो जाता है इस बात से कि मैंने यूज करा, मैं यूजर हूँ, मैं घटिया नीच गलीज पता नहीं अपने आप को बहुत गंदा गंदा बोलता है, वो मना करती है मत बोल ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, वो समझाती है। सना की भी बहुत तारीफ की बात है कि सना ने बहुत अच्छे बहुत प्यार से उसको हैंडल किया, समझाया कि गुस्सा मत कर गुस्सा मत कर, उसको ठंडा किया, पर वो हर्ट था बस, तो उसने कि मैं तुझे यूज नहीं कर रहा हूँ, तुझसे अटैचमेंट है, पर उसने फिर अपने दिल की बात भी कह दी कि मैं यहाँ सोच के आया था कि मैं यहाँ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा, पर तुझसे रिश्ता बन गया है और बहुत गलती हो, मतलब गलती, वो कहता है सोच के आया था नहीं होगा पर हो गया, अब क्या करूं, ऐसा हो गया तो हो गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह भी कहता है कि ये रिश्ता मेरी तरफ से हमेशा रहेगा, अब वो तेरी तरफ से है, तुझे कैसे निभाना है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सुबह थोड़ा सा नाराज थी, फिर दोनों मान गए, दोनों बाथरूम एरिया में थे, दोनों साथ में थे, दोनों मान गए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बाद में फिर योगा वगैरह का टाइम भी हुआ, सब बाद में सब हो गया। वही उनकी थोड़ी सी उनकी नाराजगी ज्यादा देर नहीं चलती है, तो उनको जज मत करो। बाकी आसिम ने कितना गंदा करा है, आसिम ने बहुत ज्यादा आग लगाने की कोशिश करी। आसिम मुझे सना के फैन से ये शिकायत है कि आसिम की गलतियां आप देखते नहीं हो, बहुत पहले से भी ये गंद मचाता हुआ आ रहा है सना और बीच, इसमें पहले भी इनने बहुत बार लड़ाई कराई है और पहले भी सना को भड़का रहा था कि सिर्फ यूज करता है छोड़ देता है, सिर्फ यूज करता है दोस्त बनाता है छोड़ देता है, कभी उसने ऐसे दोस्त नहीं बनाए छोड़ दिया। आसिम ये खुद अपने आप अलग हुआ है अपने ईगो की प्रॉब्लम की वजह से, सना को तो उन्हें कभी नहीं छोड़ा, सना से नाराज हो जाता, सना आती है मनाने मानता कि नहीं, और वो सना नाराज होती है तो वो भी मनाने जाता है ना, तो उसके अंदर कहाँ है यूज एंड थ्रो वाली बात कहाँ से आई, और उनका रिश्ता ही दोस्ती से थोड़ा अलग ही है, तो उसको जज मत करो, होता है ऐसा। ठीक है, कल भी बहुत कोशिश कर ली, परसों भी बहुत, दो दिन उन्होंने बहुत कोशिश कर ली पर कुछ नहीं कर पाया। ये भी इन्होंने सिद्धनाथ के फैंस के लिए बोला कि आपस में मत लड़ो, वो तो दो घंटे की लड़ाई के बाद फिर साथ में होते हैं, तो सही है आपकी बात, बिल्कुल सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं। और मैं एक और चीज आपको बोल दूं, जिनके ऑडियो आप नहीं सुन रहे हैं या जिनके ऑडियो हम थोड़े सुना रहे हैं, सबके ऑडियो जो है आप रिव्यू विंडो में सुनेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, हेलो हेलो हंगरी स्प्रिट, नवीन सर, अंजू मैडम नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। मैं बिग बॉस के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बिग बॉस समाप्ति की ओर जा रहा है, फिर भी ये बिग बॉस वाले पूरा निचोड़ ही लेना चाहते हैं, पूरा अंतिम अंतिम समय में भी इतना लड़ाई लोग दिखा रहे हैं या करवा रहे हैं, आरती का, सहनाज का, सिद्धार्थ का, कुछ इरिटेट सा लगता, अच्छा सा नहीं लगता। एनीवे, लेकिन झगड़ा करने का कोई तर्क तो नहीं है इसका, सहनाज का तो बनता है झगड़ा करना, वो तो हालांकि मेन पॉइंट पे झगड़ा करना, मतलब बोली कि तुम्हारा प्रायोरिटी तो हम हैं, फिर तुमने ये क्यों बोला सलमान साहब के सामने कि हम दोनों में से हमको एक चुनना डिफिकल्ट होता, ये तो सही बोली वो, ठीक है, तो उसका तो बनता है। साथ में भी बोलती भाई हम तो इसके बिना रह नहीं सकते, हमको झगड़ा इससे नहीं करना है, फिर इससे हमको मनाना भी नहीं है इसको, फिर दोबारा कितना इसको मनावे, हमको इसे झगड़ा नहीं करना। तो इस जगह तो सहनाज का पॉइंट सही है, सिद्धार्थ तो अपना अलग पॉइंट लेके ही चलते हैं वो, उनका तो उनकी तो बात ही अलग है। और इसमें सलमान साहब भी कुछ तड़का डाल देते हैं, वो जानबूझ कर उकसा देते हैं, सहनाज के मन में डाल देते हैं कि भाई तुम्हें कैसा लगा, लगा लगने पर तो सहनाज चलती ही है, और सारे लगने पर मेन सिद्धार्थ को दिक्कत हो रही है कि रश्मि से इन लोग का जो हल्का फल्का बॉन्ड बन गया है ना सहनाज का, इसलिए दोनों में झगड़ा ज्यादा हो रहा है। रश्मि से अगर इसका बॉन्ड नहीं रहता तो इसका तो चप्पल खाने को तैयार थी, थप्पड़ भी खा लेता था ये, ठीक है सिद्धार्थ, तो मेन रश्मि से जो इसका बॉन्ड बन गया इससे उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा सिद्धार्थ को। खैर जो भी हो, और एक आपका कल एक ऑडियो भेजा था नवदीप नाम का लड़का जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वीडियो भेजा था, उसने बोल रहा था बहुत जगह पॉइंट आउट किया कि सिद्धार्थ के बारे में सहनाज से सलमान सर बहुत सारे एपिसोड में पूछे तुम बताओ तो न जाकर के उसको साबित हुआ कि सिद्धार्थ अच्छा लड़का अच्छा इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है,
मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, सिद्धार्थ तो बढ़िया है ही, वो अगर उस शहनाज को पॉइंट करते हैं तो उसके मुंह से सुनना चाहते हैं तुम क्या सोचती हो उसके बारे में। बाद बाकी आपने पूरा बिग बॉस देखा होगा तो जितना रेस्पेक्ट सलमान ने सिद्धार्थ को किया है उतना रेस्पेक्ट किसी को भी नहीं किया है, और एक हर एक बात उनका सुनते हैं। तो प्रवीण जी ने सवाल किया है नवदीप जी को, तो नवदीप जी ही उसका जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी आपके ऑडियो के लिए। तो नवीन जी ये थे आज के ऑडियो, क्या तो, कहते हैं आप? तो बहुत बहुत बढ़िया है, ढेर सारे आपके ऑडियोज आए क्योंकि बाकी हमको रिव्यू विंडो में भी डालने पड़े। इसी हाँ। तरह भेजिए हाँ। और किस नंबर पे भेजिए वो नंबर है ये 9833-1555-23। जी हाँ, इस नंबर पर अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए। लास्ट वीक है, फायदा उठाइए अपनी आवाज को सब तक पहुंचाने का, अपने कंटेस्टेंट के लिए लड़ने का। लड़ना वैसे वाला है, डिशुम डिशुम वाला लड़ना नहीं है, सिर्फ ये अपने कमेंट भेज के या ऑडियो वीडियो भेज के। तो कीजिए, करिए शुरू अपना सिलसिला फिर से। जो लोग सो रहे हैं जाग जाइए और भेजिए ऑडियो और वीडियो, और बने रहिए हमारे चैनल हंगरी स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.